वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की कानून व्यवस्था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हो चुके धान खरीद एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो रहे धान खरीद, स्वच्छता अभियान, गोस्थलों की स्थिति तथा लखीमपुर खीरी की घटना और आसपास के जिलों की समस्याओं को लेकर क्रमवार समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मद्देनजर आसपास के जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की तथा विजयदशमी को लेकर किए गए कानून व्यवस्था के तैयारियों की भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू हो चुके धान खरीद एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हो रहे धान खरीद के लिए बनाए गए क्रय केंद्रों की स्थिति का भी जायजा लिया तथा कहा कि धान खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान तथा गो स्थलों के कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट वाला हो गया और मुख्यमंत्री जी के आने से पहले मंडल वाइज मैं रिपोर्ट एक लेना चाहूंगा मोटा मोटा, जो कल हम लोगों ने एक पत्र भेजा था हर जिले में किसान संगठनों से संपर्क करने, रिलीजियस लीडर से, धार्मिक धर्म गुरुओं से संपर्क करने का, सेक्टर स्कीम लागू करने का और लेखपाल तक और बीट के सिपाही तक कार्रवाई सुनिश्चित करने का। तो मैं मंडल वाइज लेना चाहूंगा, कमिश्नर मेरठ से तो मुझे रिपोर्ट आ गई है। एक तो कॉलर लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के जनपदों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको लेकर के, दूसरा पर्वों के बाद महाअष्टमी परसों 13 अक्टूबर को पड़ेगी, महानवमी 14 को और विजयादशमी 15 अक्टूबर को। इस अवसर पर जनपद स्तर पर क्या तैयारियां हुई हैं, पहली अक्टूबर से प्रदेश के अंदर धान क्रय केंद्र प्रारंभ हुए हैं लेकिन अपेक्षित संख्या में जो खुलने चाहिए थे अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि बार बार कहे जाने के बावजूद भी जनपद स्तर पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और चौथा निराश्रित को आश्रय स्थलों के बारे में, इन 4-5 मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आ जाए हैं। पहले लखीमपुर खीरी के बारे में, वहाँ के लखीमपुर खीरी